गॉइटर का ये मतलब है कि थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा है, इतना ही होता है। यह साइज बड़ा होने का कारण बहुत है, जैसे कि सिंगल नोडुला गॉइटा, मल्टी नोडुला गॉइटा, टॉक्सिक नोडुला गॉइटा, डिक्यूरवाइंस थायरोडाइटिस, हैशिमोटोस थायरोडाइटिस, ऐसा मैं बोलते जाऊंगा। बट गॉइटर जब बोलते हैं इसका ये मतलब यही है कि उसका साइज बड़ा है। रिट्रोस्टर्नल गॉइटर का मतलब ये है कि जब ये इसका साइज बड़ा होता है, सिर्फ गले में नहीं, गले से छोड़ के इतना बड़ा रहेगा और गले से वो चेस्ट में उतर जाता। तो ऐसा टाइम में पेशेंट्स का क्या कंप्लेन रहता है? तो पेशेंट्स बताते हैं कि उनको ऑलरेडी ये पता है कि थायराइड ग्लैंड बड़ा हुआ है और उनके डॉक्टर ने सर्जरी के लिए एडवाइस किया, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, उनका पर्सनल रीजन से कर नहीं पा रहे हैं। और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जा रहा है, उनको खांसी बढ़ेगा और जब भी जाके फिजिशियन से मिलेंगे वो बोलेंगे इन्फेक्शन कुछ नहीं है, और उसके साथ में जब भी खाना खाते हैं इधर स्टक होने का फीलिंग रहता है और वो बेड में सीधा लेट नहीं सकते, जब भी लेटेंगे ट्राई करेंगे तो सांस लेने में तकलीफ होता है। और जब ऐसा साइज बड़ा होता जाएगा और उतना सांस लेने में का तकलीफ भी बढ़ता जाएगा, ये रहेगा पेशेंट का कंप्लेंट। जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो साफ दिखेगा कि साइज बहुत बड़ा है। और अब इसके वीडियो देखो, ये अरबिक पेशेंट का एक वीडियो है, ये पेशेंट को हमने ऑपरेट किया है पहले, तो इसमें देखेंगे तो इतना बड़ा है कि गले फुल है, ये मैंने इसमें मार्क किया, एक्चुअली साइज इतना ही आएगा थायराइड ग्लैंड का, बट ये देखो यहाँ से लेके ये इतना, यहाँ से लेके ये साइड में मैंने मार्क नहीं किया, इधर से आके नीचे जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इतना बड़ा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। तो ये पेशेंट को हमने ऑपरेट किया है, तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट चाहिए, इसके लिए सीटी स्कैन नहीं तो एमआरआई स्कैन कर सकते हैं, सिर्फ गले का नहीं बट चेस्ट का भी हमें चाहिए। अगर जो आप पूछेंगे मुझे कि मेरे से पूछेंगे कि आपको सीटी स्कैन बेहतर है कि एमआरआई बेहतर है, तो मैं बताऊंगे कि एमआरआई बेहतर है। तो ऐसा एक कंडीशन में जैसे ये सीटी स्कैन में दिख रहा है कि ये चेस्ट यहां से शुरू हो रहा है, ये चेस्ट के नीचे अंदर जा रहा है, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, तो ऐसा कंडीशन में रिट्रोस्टर्नल गॉइटर में इसको ठीक करना है तो सिर्फ ऑपरेशन करने से ही ठीक होगा, इसको थायरॉयडेक्टमी कहते हैं। तो इसमें सिर्फ ईएनटी सर्जन नहीं, थोरैसिक सर्जन भी आके हमारे साथ हेल्प करते हैं, क्योंकि चेस्ट में जो भी नीचे डिसेंड हुआ है उसको भी कंप्लीटली निकालना है। तो आपको थायरॉयडेक्टमी के बारे में जानकारी चाहिए, उसका प्रिपरेशंस क्या क्या करना है, ऑपरेशन में क्या क्या होता है और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है और कैसे मैनेज किया जाता है, ये आपको जानकारी चाहिए, तो आप YouTube में डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT मल्टी नोडुलर गॉइटर, उसमें 3-4 पार्ट है, उसमें ट्रीटमेंट देखिए और हिंदी बोल के एंटर कर दीजिए, आपको थायरॉयडेक्टमी के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। शुक्रिया।